उत्तम कोटि की संतानें पैदा करेंगे। वो पति के मन को जानती थी। शास्त्र की आज्ञा भी यही है। ऋषि ने इसी ढंग से पराम्बा की प्रार्थना करते हुए ये शर्त पहले रखी थी कि मेरे मन के संकल्प को वो पहचानने वाली हो और मेरा और उसका एक संकल्प बने, एक मति बने, एक विचार बने। और ये सच है, पति पत्नी में दो तन होते हैं पर मन एक ही होता है। ये लिखना अपनी डायरी में कहीं जाकर, पति पत्नी में दो तन तो हैं, ऑफ कोर्स वो दो बॉडी हैं, अलग अलग बॉडी हैं दो, पर मेंटली, इमोशनली, रिलीजियसली, स्पिरिचुअली वो एक है। धर्म एक है, अध्यात्म एक है, सपने एक है, योजना एक है, संकल्प एक है, विचार एक है, लक्ष्य एक है, एक मति एकात्मता है। इसलिए कहीं आप में बहुत एकात्मता देखनी हो, शब्द पति के बाद ही दो मन एक हो गए हो, वो पति पत्नी है। एक जैसे थॉट आते हैं उनको, एक जैसे ड्रीम आते हैं उनको, उनके एक जैसे ही तो लक्ष्य है, तभी जीवन की सिद्धि होगी। अलग स्पेस मत रखना, अलग नहीं, जितना स्पेस कम होता जाएगा जीवन उतना ही सुखी बनता जाएगा। स्पेस मत रखिए अपने लिए, प्राइवेसी मत रखिए अपने लिए। और महाराज, मैं और आप जिस युग में जीवन जी रहे हैं वो तो बड़ा विचित्र है, सब कुछ एक है पति पत्नी का, पर पासवर्ड अलग अलग हैं। रार हो जाएगी अगर पासवर्ड किसी से पूछ लिया तो। नो, आपके घर को हम तो बसाने आए हैं, या कथा तो कहने आए, कथा तो बहाना है, मुझे तो घर में आपके खुशियों का खजाना भरना है, आनंद भरना है, दीप जलाना है। अरे कथा तो बहाना है, हमें तो संस्कारों की फसल उगाना है। कथा तो बहाना है, हमें तो कोने कोने में आनंद उल्लास और उत्सव को जगाना है। ये माध्यम है कथा तो। और कथा के मामले में बड़ा कृपण और कंजूस हूं, वो एकदम कथा नहीं होगी, वो साल में एक आध बार ही होगी। वो तो कोई ऐसा मिले जो हम बरसें और हमारी बरसने की तैयारी करें, कोई मन सिंह जैसा मिले कि फिर हम बरसें और वो हमारी तैयारी करें।